फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में और आज है थर्सडे। और अभी यहाँ से आपको थोड़े से व्यूज़ दिखाती हूँ कि कितना चेंज हो गया है ये। तो देखिए, मेरे ठीक सामने है लाल किला और काफ़ी खुला खुला एरिया हो चुका है चांदनी चौक का। तो पहले मैं आया करती थी तो काफ़ी यहाँ पर कंजस्टेड रहता था, लेकिन अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे खुला खुला नज़र आ रहा है सब कुछ। और मेरे इस साइड पे है देखिए जैन साहित्य सदन। और यहाँ से आगे चलेंगे गौरी शंकर मंदिर। और मुझे जाना है कैमरा रिपेयर के लिए, तो बताऊंगी कि कहाँ पे। तो मैं काफ़ी समय के बाद यहाँ पे आ रही हूँ और ये देखिए काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे हो गई है। तो कुछ टाइम के बाद ये सब छोटे छोटे प्लांटलेट्स बड़े हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे है गौरी शंकर मंदिर। यहाँ पे ट्रैफिक वैसे तो बंद हो चुका है, लेकिन रिक्शास की काफ़ी लाइन दिखाई दे रही है। और ऊपर से गर्मी तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं आई हूँ अपने हमारे प्यारे अनमोल का कैमरा रिपेयर के लिए। तो देखते हैं हो पाता है या नहीं। यहाँ से आगे चलते हैं अभी। तो देखिए काफ़ी खुला खुला यहाँ पे हो चुका है, पहले बिल्कुल चलने की भी जगह नहीं होती थी, धक्का मुक्की हुआ करती थी। देखिए सामने भी बड़ा खुला खुला सा, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप सबको पता है चांदनी चौक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वैरायटी की चीज़ मिलती है। तो फ़िलहाल मेरा तो सिर्फ कैमरा का काम होता है यहाँ पे, उसके अलावा घूमना यहाँ बहुत टफ होता है, वो भी अकेले। तो अभी चलते हैं कैमरा रिपेयर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होती है कैमरा मार्केट। और ये देखिए हर जगह पे खाने पीने के स्टॉल्स हैं, तो लोग आपको खाते हुए दिखेंगे यहाँ। तो ये तो दिल्ली की बड़ी खासियत है, लोग हर टाइम खाते ही रहते हैं शायद। मैं जा रही हूँ कपिल इंद्रजीत भैया के पास। और मैं गई थी अभी इंद्रजीत भैया के पास और अभी वहाँ से निकल गई हूँ। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। फ्रेंड्स, वहाँ जाके इतनी ज़्यादा घुटन थी और गर्मी थी कि मेरी पसीने में हालत ख़राब हो गई है, शायद आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं आगे। देखिए चांदनी चौक में और तो मेरा कोई काम है नहीं, लेकिन एक ऐसे ही राउंड मार के आती हूँ क्योंकि चांदनी चौक वैसे ही कमाना होता है। देखिए चांदनी चौक की गलियाँ। और इधर है स्टेट बैंक की बिल्डिंग। तो देखिए ये पूरी कैमरा मार्केट है यहाँ पे, और हर तरीके का कैमरे का सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ड्रेसेस का कलेक्शन है, वेडिंग कलेक्शंस। तो ज़्यादा हालत तो नहीं है मेरी यहाँ घूमने की, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी थोड़ा सा आगे जाके बस लौटते हैं। तो ये देखिए सामने दिख रहा है शीश महल गुरुद्वारा। तो फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं वहाँ तक तो नहीं जा रही हूँ, और यहाँ से वापस लौटूँगी मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि अभी मुझे जाना है जनपद जहाँ पर है निकॉन का ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर। तो वहाँ पे भी एक कैमरा मैंने दे रखा है, तो अभी वहाँ चलते हैं और थोड़ा सा चांदनी चौक से निकल के जनपद के नज़ारे लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ मिलते हैं छोले भटूरे, लस्सी और मैंगो शेक, जहाँ पे काफ़ी अनाउंसमेंट चल रहा है।
शायद आप सुन सकते हैं। देखिए मिर्ची राम के छोले भटूरे मिल रहे हैं यहाँ पे। वैसे भी चांदनी चौक खाने पीने के लिए काफ़ी मशहूर जगह है। ये देखिए सामने है आम कुल्फी वाला। ये देखिए, तो मैं आई थी अभी जनपद पे और यहाँ पे देखिए नैनीताल की तरह ही मुझे मिली है तिबेटन मार्केट। तो ये बोर्ड पढ़ के मुझे फिर से नैनीताल की याद आ गई है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान मिल रहा है, ट्राइबल आर्ट्स, हिमालय आर्ट सेंटर, तो काफ़ी आर्टिस्टिक सा और बड़ा अच्छा सा सामान दिख रहा है यहाँ पे। और वैसे मुझे जहाँ जाना था निकॉन के सर्विस सेंटर पे, तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कि मैं मेट्रो से एग्ज़िट कहाँ पे करूँ। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं ट्राई करने के लिए अभी थोड़ा आगे तक जा रही हूँ, शायद रास्ता यहीं से हो। तो तब तक आप देखिए मार्केट। तो बड़ा अच्छा सा मार्केट लग रहा है मुझे। देखिए सारा तिबेटन कल्चर से रिलेटेड सामान यहाँ पे दिख रहा है। और ये देख के मुझे सच में नैनीताल याद आ रहा है। तो फाइनली मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं गलत जगह से गई थी। तो मुझे एग्ज़िट लेना था गेट नंबर 2 से और मैं काफ़ी दूर एग्ज़िट पे निकल गई थी। तो कोई बात नहीं, फाइनली। देखिए यहाँ पर है ये सर्वन भवन। तो ये देखिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड यहाँ पे मिलता है और बहुत बढ़िया होता है। तो ये अभी फाइनली मैं बता सकती हूँ कि मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 जो है वहाँ से बाहर आके सामने ही है। और ये देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ बस निकॉन पे। से 2 फ्लोर ऊपर जाके मिलेगा निकॉन। तो फ्रेंड्स फाइनली कैमरा वापस आ गया निकॉन से और अब चलते हैं करोल बाग की तरफ। तो अभी 6 बज चुका है शाम का और मौसम देख के नैनीताल याद आ रहा है, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे वॉक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ट्रैफिक है, ऊपर से गर्मी है। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ करोल बाग मेट्रो स्टेशन और सामने देखिए सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। देखिए दिल्ली में मुझे ऐसे फूल खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है देख के कि ऐसे फ्लावर्स यहाँ भी होते हैं। देखिए तो देखिए ये भी बड़ा एक अनोखा सा मार्केट है यहाँ पे, और क्या नहीं मिलता यहाँ भी। ये देखिए यहाँ पे मिल रहे वॉलेट्स। तो फ्रेंड्स आज फिर गर्मी से मैं बेहाल हूँ और अपनी फ्रेंड के लिए रुकी हूँ। तो जैसे ही वो आती है फिर आगे का कुछ प्लान करते हैं, अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी है। तो फ्रेंड्स मेरी बचपन की फ्रेंड आ गई है जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, तो इसने गर्मी में मेरा काफ़ी बुरा हाल कर दिया। तो ये है नेहा। हेलो, हाय। हाँ, तो चलिए फिर हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। तो करोल बाग के राहुल मोमोज पे अभी हम हैं और ये काफ़ी फेमस दुकान है यहाँ की। तो देखिए यहाँ पे मिलते हैं कुरकुरे मोमोज, जो कि हमने नैनीताल में कभी नहीं खाए हैं। और ये देखिए वैसे तो फ्राइड हैं पर फिर भी ये देखिए रेट्स भी काफ़ी सही है। और यहाँ पे बन रहा है पास्ता।
काफ़ी फेमस है ये यहाँ का रोल बाग का राहुल मोमोज। तो आप भी आइए और ट्राई कीजिए राहुल मोमोज को। तो फाइनली ये आ गए हैं कुरकुरे मोमोज, जो कि मोमोज जैसे बिल्कुल लग नहीं रहे हैं, पर चलिए खा के बताते हैं कैसे हैं। तो देखिए ये काफ़ी फूडी है क्योंकि, तो ये खा के बताएगी। वैसे भी हमने वेज मोमोज ऑर्डर किए हैं तो चिकन वाला स्वाद नहीं है। अच्छा, चिकन वाला स्वाद नहीं है पर फिर भी खाए जा सकते हैं, क्योंकि आज मुझे नहीं खाना है नॉनवेज, तो इसको भी त्याग करना पड़ रहा है। तो देखिए ये सारे मोमोज खुद खाने वाली है। तो देखिए ये हैं करोल बाग के स्पेशल गोलगप्पे, रूपक गोलगप्पे। तो ये मस्ट विजिट प्लेस है करोल बाग का। देखिए सामने नियर रूपक स्टोर की गली में काफ़ी अच्छी चाट और गोलगप्पे देते हैं। तो फ्रेंड्स एक हेक्टिक डे के बाद मैं अभी घर पहुंच चुकी हूं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूं। तो दोबारा किसी नए वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।